किसानों की मांग पर सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग, सड़कों पर उतरेंगे किसान यूनियन। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार सोयाबीन मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक तय करे सरकार, परंतु यह तभी हो सकता है जब सभी राज्य के किसान एक साथ मिलकर आगे आए। किसानों द्वारा लगातार अलग अलग जगह ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। मैं सभी किसानों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी एकता का परिचय दें। सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्रैक्टर से रैली निकालकर अपनी बात को रखें, तभी केंद्र सरकार आपकी बात सुनेगी। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के हित में जो हम कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य किसानों को भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर विशेष स्रोतों से प्राप्त जानकारी दी जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। ही आपको बता दें, 1 सितंबर को अलग अलग राज्य के किसान ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर अपनी मांग को रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सोयाबीन दाम फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चल रहे हैं, जिससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे मेरे किसान भाई बहुत परेशान हैं। इस बार कुछ भी हो, अपनी बात मनवानी है। सरकार ने किसानों को हल्के में ले रखा है। जो किसान देश का अन्नदाता है, उनकी फसलों के दाम बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की हमारी सरकार से मांग है। सोयाबीन भाव को लेकर है, जो कि एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जिस हिसाब से वर्तमान में सोयाबीन का भाव है, उस हिसाब से लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सोयाबीन आज से 10 साल पहले बिकती थी, उसी भाव में आज बिक रही है, जबकि खर्च 4 गुना तक बढ़ गया है, जिससे लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से सलाह लेकर किसानों की मांग पर सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है। किसानों से भी आग्रह है कि वह भी इस मुहिम में साथ दें, क्योंकि किसानों की आमदनी अगर अच्छी होगी तो सभी का व्यापार अच्छा चलेगा और अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी। धन्यवाद।